प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लाओस के एशियन इंडियन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब दुनिया के कई हिस्से संघर्ष और तनाव का सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में भारत आसियान की दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एक शांतिप्रिय राष्ट्र हैं, हम राष्ट्रों की एकता और अखंडता को महत्व देते हैं, हम अपने युवाओं को उज्जवल भविष्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारा आसियान क्षेत्रों के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। आज भारत ने 7 आसियान देशों के साथ डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और जल्द ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होंगी। मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। यह आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है।